तो यार एक और अहम बात कि हमने भैंस लेके आए हैं डेरे, नई भैंस लाई है उधर से पापा के दोस्त से ही। तो ये भैंस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का वाला करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वो आपने देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। वो यार 10 लाइन देख के मैं तो ठहर जा यार, सब्र भी कर ला यार, रिजल्ट आ चुका है भाई का आपका। ओ यार एक मिनट, तो रिजल्ट आ चुका है यार, नंबर मेरे आए हैं तकरीबन 300 के करीब ही, तो बहुत ज़्यादा सप्लीज आई हैं। हमारी क्लास में तकरीबन 100 बच्चे हैं, तो 11 बच्चे पास होंगे फुल, वरना किसी की 2 हैं, किसी की 3 हैं, किसी की 4 हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से चेकिंग हुई है। तो आज 17 नवंबर है, आज हमारा रिजल्ट था, कॉलेज ही चेक किया, तो अभी घर आया हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, आगे सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह अच्छी मेहनत करके। लेट ना फिर, इसमें काफ़ी देर से लेके बैठा धूप में, तो अब कह रहा है चले अंदर, जो अभी लेके चलता हूँ। जाते हैं एक मिनट, जैसे सर इसके आगे करता हूँ छाँव में तो ठीक हो जाता है, जैसे दूसरा होता है तो गर्मी लगती है इसे। तो बाकी रिजल्ट अल्लाह खैर करे ठीक है, तो बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, किसी ने घर कुछ नहीं कहा, कहते ठीक है अच्छे। बाबा ने कहा कि लिया हारे नु पाओ, काफ़ी अच्छे नंबर आए। रोला पे आ जाओ अब ठीक है। तो भी अल्लाह खैर करे यार, इंशाल्लाह आगे से अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो अब क्या काम करना चाहिए, मोहम्मद अच्छे नंबर है मेरे, कहना मुंह बंद रख। मर्जी है यार। अब चुप किया, गर्मी लग रही थी। तो अब सेकंड ईयर के पेपर होंगे तकरीबन 4-5 माह के बाद, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया। फर्स्ट ईयर और नाइन्थ का बहुत गंदा रिजल्ट आया, और सेकंड ईयर और टेंथ का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो चेकिंग बहुत सख्ती है, वो कोरोना था ना पीछे जो गुजर के गया, उसकी वजह से ना बहुत नालायक बच्चे पास हुए और आगे कॉलेजों में चले गए। उन्होंने कहा अगर कॉलेजों में भी पास कर दिए तो यूनिवर्सिटी में तो ऐसे रश पड़ जाएगा नालायकों का, तो यही वजह है, सीधी सी बात है, इसी वजह से सख्ती से चेकिंग हुई है। तो मुझे एक में डर था कि सैपली ना आ जाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि पास हो गया हूँ। तो जैसे भी अब मेहनत करके अच्छे नंबर लेंगे यार इंशाल्लाह। तो यार अभी हम डेली चाय देने बाबा को, तो बाबा उधर है, वो दूसरी कनक ना गंदम की फसल जो आ गई, मेडिसिन लगा ली थी उस दवाई शवाई, तो वो ड्रिल के साथ ना बोई जाती है, वो फाले होते हैं ऊपर, वो कैबिन बना होता है एक डब्बा सा बड़ा, उसके बीच में सारे डाल देते हैं, पाइप छोटे छोटे होते हैं, वो फालो जैसे होते हैं, तो हर फाली के साथ पैप लगा होता, तो वो एक एक दाना रखते रहते हैं, पीछे सुहागा होता है, सुहागा पर फिरते रहते हैं, वो ऐसे उगाई जाती है, मैं जाकर दिखाता हूँ। तो अभी चाय लेके आया ना, तो कप लाना भूल गया, तो अभी यहाँ से लेता हूँ मेरे फान से। तो यार एक और अहम बात कि हमने भैंस लेके आए हैं डेरे, नई भैंस लाई है उधर से पापा के दोस्त से ही, तो लानी तो थी डेरे ना, वो जो दूध जी है दूध वाला, वो यार सही दूध नहीं देता था। तो ये भैंस है, ये ला के बर्फान लोगों को दे दी कि आप इसे संभालना आपने, तो पट्ठे शट्ठे भी मारे हैं इधर, खाने पीने का इसका चारा वगैरह उठने लगी थी, उठाऊँ इसे। ये भैंस है और इसके साथ वो बच्चा है, वो कट्टी है और ये भैंस, और कप ले लिए मैंने, वाश कर लू कर वहाँ से, ये लकड़ बग्गे ये गधे ने यार रह दे अपना रश डाला है, चला भी काका गप दोइए, इधर आ। इस रास्ते से जाएंगे, और कप दूसरे शीशे के हैं, ये टूट ना जाएं यार। ये रही हमारी चाय और ये रहे हमारे कप। ओहो आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी टूट जाने। तो यार अभी मैं और भाई हाथ दे रहे दोबारा आए हैं, मैं यार आगे ना बनानी थी वीडियो वो गंदम बीजने की, तो वो ना ट्रैक्टर चला गया था, ड्रिल मशीन ले गया, तो मैंने नहीं बनाई। तो चाय दे के आधे घंटे बाद अभी आऊँ,
तो रास्ते में भाई कह रहे हैं अमरूद खा लें यार, तो अभी चलते हैं डेरे। डेरे ट्रैक्टर भी खड़ा है, वो भी घर लेके जाना, वो मैं रह जाऊँगा यार भाई यहाँ भाई, तो अभी अमरूद खा के चलते हैं डेरे। चावल इकट्ठे करने थे, चावल इकट्ठे कर लिए और रिजल्ट भी आप कल खा के, तो आज का वो करते हैं ये पर खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज वो करते हैं पर खत्म। मुझे दीजिएगा अल्लाह हाफिज़।